तिलक करवा दीजिए। चलिए वाह रे वाह। दुल्हा सिंदूर लियो हाथ पान सुपारी के साथ, दुल्हा सिंदूर लियो हाथ पान सुपारी के साथ, सीता उधारी लियो मांग सिंदूर गावे, सीता उधारी लियो मांग सिंदूर गावे, सिर पर शोभे मोर सीता सती पूजत गौर, रघुवर सिर पर शोभे मोर सीता सती पूजत गौर, सीता उधारी लियो मांग सिंदूर गावे, 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 सीता उधारी लियो मांग सिंदूर गावे। बेटी विवाह तो मैंने कर दिया इनके साथ, लेकिन मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि कहाँ के रहने वाला है और कैसे मेरी सभा के बीच आया हुआ था। दुल्हा जी आप एक बात बताइए, आपका क्या नाम है, कहाँ घर है, कहाँ से आए हैं? मैं अहमपुर शहर का राजा था और मेरा नाम अम सिंह है। मेरे पास दो पुत्र था और महारानी भी थी। एक दिन की बात है, हमारे दरवाजे पर साधु महात्मा आया, गुरु विश्वामित्र। उन्होंने सत कराकर 3 तोला मिट्टी मांग लिया और मैं सोचा समझा नहीं कि 3 तोला मिट्टी क्या होता है। मैंने गुरु विश्वामित्र को दान में दे दिया, अपना वचनबद्ध हो गया। और उन्होंने फिर बाद में मुझे समझाया कि राजा राम सिंह 3 तोला मिट्टी का मतलब हुआ आकाश पाताल मृत्यु भवन, ये तीनों राज में मेरा राज चलेगा। तुम अपने ये 14 कोस का जो राज है, ये कंचन घर महल है, इसे छोड़कर तुम्हें जाना होगा। बाबू बाबू जी मैं हर बार में बिहार भाग ले बिहार भले ना जूता को पिनते पहुना गया पहुना के लिए जूता जल लिए पिने ठंडी ने देखे अरे पिलो जूता पिलो। अच्छा लीजिए जूता पहन लीजिए और बताइए, आप अपने जिंदगी के बारे में बता रहे थे, आप अपनी बीती हुई कहानी को बता रहे थे, बताइए महाराज और क्या हुआ आपके साथ? फिर मैं दूसरे नगर को चल दिया। चारों व्यक्ति मेरे पुत्र को बहुत जोर सी भूख लगा था, हमें भी भूख लगा था और हमारी महारानी की भी। हमने एक होटल को देखा, उस होटल पे जाके पूछा कि बाबू हमें पेट पे रख लीजिए, पैसा कौड़ी नहीं दीजिएगा, कम से कम भोजन दीजिएगा, आपका भोजन ही खा के आपका होटल में काम करेंगे। उस मालिक ने मुझे लकड़ी काटने के लिए भेज दिया और मेरे दोनों पुत्र को पानी लेने को ड्यूटी दे दिया। हम चले गए थे लकड़ी काटने के लिए और मेरा पुत्र वो भी चला गया था पानी लेने के लिए। जब लकड़ी काट कर वापस आया तो सेठ सेठानी रो रही थी और रो रहा था सेठ जी, चिल्ला रहा था कि मेरा सारा धन दौलत तुम्हारी पत्नी लूट कर लेके चला गया। तुम्हारी पत्नी नाजायज थी, गलत थी, इसलिए महाराज मैं दोनों पुत्र को लेकर महारानी को ढूंढने के लिए चल दिए। रास्ते में एक यमुना नदी था, उस नदी को पार करना था तो मैं एक पुत्र को अपने कंधे पर लेकर उस पार चले गए और जो इस पार में पुत्र था उस पुत्र को हाथ बांध कर गया था कि
ताकि मेरे याद में मेरा पुत्र भी नदी में ना कूद जाए। जब उस नदी से फिर मैं दूसरे पुत्र को लाने के लिए जा रहा था तो बीच नदी में बहुत बड़ा सारा मछली आया और वो मछली मुझे निगल गया। एक दिन मल्हा भाई गया था मछली मारने के लिए, गौरी भाई उन्होंने मुझे उस मछली को फंसा कर ले आया अपने घर और उन्हें जब चीर रहा था तो मैं उसे कहा कि जान बचा कर चीरिएगा, तो उसने तो डरा गया था लेकिन उस मछली को चीर कर मुझे बाहर निकाला और उन्होंने मालिक ने फिर मुझे ड्यूटी दे दिया कि तुम आज से मेरे यहाँ रहोगे और मेरा जितना भी सुखी है सबको तुम सुखाओगे, ये तुम्हारा ड्यूटी रहा। महाराज मालिक तो चला आया सोमवार में, मैं भूखे प्यासे उस जगह बैठते बैठते परेशान हो गया। फिर मैं भी सोचा कि कैसा सोमवार होता है, मैं भी चलकर देखूं आखिर सोमवार किस प्रकार का होता है। तो महाराज मैं आपके सोमवार में आ गया। आहा, आपके पास दो पुत्र भी था। हाँ महाराज। क्या नाम था पुत्र का? एक का नाम नील था और दूसरे का नाम सरोवर। ओ सरोवर नील, ठीक। तो ऐसा कीजिए अब आप लोग ये कंचनगढ़ मकान में रहिए, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। यह राजधन आपको मैंने दान दे दिया, मैं चल रहा हूँ जंगल में तपस्या करने के लिए। ठीक है बाबूजी, आप जाइए। जिस प्रकार से आप इस राज धर्म को निभाते थे, अपने प्रजाजन के साथ विचार व्यवहार से रहते थे, मैं भी वचन देता हूँ आपको इस राज में किसी भी प्रकार की आंच नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अरे यो जब ला गई हो तू अपने राज गद्दी पर बैठो, मैं चल रहा हूँ जंगल में तपस्या करने के लिए। ठीक है बाबूजी, आप जाइए, निफिक्र हो के भगवान की पूजा भक्ति कीजिए।
हाँ बाबूजी याजो दीन चलिए रे बाबूजी चला गया जंगल भगवान की तपस्या करने के लिए और आज से हम दोनों प्राणी को ये सौंप कर गया है कि ये राजपाट अब तुम दोनों व्यक्ति चलाओगे ताकि यहाँ का प्रजाजन को किसी भी प्रकार का कष्ट ना आए। महारानी क्यों नहीं स्वामी जी, आज से हम दोनों के ऊपर ये राज का भार रहा। ए स्वामी, आज मेरी शादी हुई, मैं भी नई नवेली हूँ, आज मेरी शादी की पहली रात है, इसलिए स्वामी जी मैं आपके साथ आराम करने के लिए चाहती हूँ। क्यों नहीं महारानी, जो तुम्हारी इच्छा। चलो महारानी, ये वादा न तो ये वादा न तो